राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सागर में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच लड़खड़ाई प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अब आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया है और संक्रमण के दौर में बेहतर चिकित्सीय प्रबंधन सहित प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने प्रशासन को अपने कुछ सुझाव देते हुए महामारी के हालात से निपटने सभी के सहयोग से प्रयास किए जाने पर जोर दिया। कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच हालातों से निपटने बनाई जाने वाली चिकित्सीय सेहत मैदानी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार उठ रहे सवालों और बंद इंतजामों पर कांग्रेस ने एडमिनिस्ट्रेशन की लाचार व्यवस्था को दोषी करार देते हुए जमकर हमला बोला और प्रशासन तंत्र से शासन के नुमाइंदे और प्रतिनिधियों के केवल हालातों की समीक्षा के नाम पर बैठक करी तीसरी कर मीडिया की सुर्खियां बन अपनी जिम्मेदारी से तीसरी कर लेने की बात कही। उन्होंने प्रशासन और मैदानी स्थिति से निपटने वाली एजेंसी में समन्वय नहीं होने का आरोप लगाते हुए इसके कारण हालत बद से बदतर होने पर लोगों का चिकित्सीय प्रबंधन पर विश्वास नहीं बन पा रहा है, जिसके लिए उन्होंने समय रहते हुए प्रयास करते हुए सभी का सहयोग लेते हुए तालमेल स्थापित करने पर जोर दिया, जिससे स्थिति पर काबू पाया जा सके, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रशासन को पूरा सहयोग देने की बात कही। ये बद इंतजामी का एक बड़ा उदाहरण हमें आपको बुंदेलखंड की मेडिकल कॉलेज हो, सागर जिले हो, चाहे समूचा मध्य प्रदेश हो, ये देखने को मिल रहा है। आज बड़े ही आश्चर्य और दुख की बात है कि सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी मिलकर प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयासों में कहीं कहीं तक जो एजेंसियां हैं वह बेईमान हैं। आज देखने को ये आ रहा है कि हमारे यहाँ मरसूरी में जो हमारे सब हैं, सब पड़े पड़े सड़ गए, बदबू आने लगी जब प्रशासन जागा। दुर्भाग्य की बात है कि प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव जी समीक्षा बैठक करते हैं, स्वास्थ्य आयुक्त आके बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में समीक्षा बैठक करते हैं, कलेक्टर समीक्षा बैठक करते हैं, विधायक समीक्षा बैठक करते हैं, दो दो विधायक समीक्षा बैठक करते हैं, सांसद कौन सी समीक्षा करते हैं, एक विधायक तो पीपी किट पहन के अंदर घुस जाते हैं, तो क्या देखते हैं? ये सारे के सारे लोग जिस तरीके से समीक्षा के नाम पर अखबारों की सुर्खियां बनने मात्र तक सीमित रह जाते हैं, वास्तविकता ये है कि आज ईमानदारी से उसकी समीक्षा नहीं हो रही है। समीक्षा होती तो आज इस तरीके से हालात बद से बदतर नहीं होते। बदतर हालात होने के जिम्मेवार यहाँ की व्यवस्था सीधे तौर पर दोषी है। मैं यह उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज अगर मरचुरी में सब में बदबू आने लगी, ये बदबू क्यों आ रही है? सीधा सवाल ये है कि जब आपके पास रैपिड टेस्ट करने की व्यवस्था है, टीआरपीसी टेस्ट करने की व्यवस्था है, 3 मिनट में रिजल्ट आ सकता है, 3 घंटे में रिपोर्ट आ सकती है, ऐसे ही टेक्निकल एजेंसियां टेक्निकल साधन हैं, तब जाके भी अगर सब बदबू मारने लगे तो ये लाचारी है, निकम्मापन है, ये निकम्मापन सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें दोष है। इसमें कांग्रेस की तरफ से क्या प्रयास किए? मेरी सबसे पहली इस व्यवस्था को देखने वाले प्रशासन से मांग है कि वह इस सारी की सारी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए। पारदर्शिता के नाम पर जो राग अलापा जा रहा है, लेकिन पारदर्शिता नहीं है। अगर पारदर्शिता हो जाएगी तो बहुत सी चीज़ें अपने आप सामान्य हो जाएंगी। लोगों में सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं में जुड़े लोग जनता में विश्वास पुनः जगाएं और जनता उनकी बात माने। सारे लोग इस महामारी में एक साथ होकर लड़ाई लड़ें। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, कांग्रेस पार्टी इसकी पक्षधर रही है। हम आज भी कहना चाहते हैं पुनः कि प्रशासन इस बात को लेकर सारे लोगों में बड़ी पारदर्शिता के साथ सबका सहयोग ले और इस महामारी से लड़ने में सबका साथ लेकर हम पार पा पाएंगे। अकेले पार पाने के किसी के वजूद की बात नहीं है।